एवरीवन, वेलकम टू निहारित का व्लॉग। एंड आज हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ऑनेस्ट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए अपनी। और आज संडे भी था एंड आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। इधर बीच का मौसम ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट हुई ब्रेकफास्ट से। हमारा मन कर रहा था ब्रेड खाने का, तो हम चले गए शॉप पर ब्रेड लेने के लिए। और इन कुत्तों को देख के ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए, इसलिए हमारे आगे पीछे मंडरा रहे हैं। इसे तो देखो, ये ऐसे छलांग मारी है जैसे कुतुब मीनार आज ही छू लेगी। फिर हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हमने टी बनाया एंड खाया ब्रेकफास्ट में ये ब्रेड। बस संडे का एक हल्का सा ब्रेकफास्ट था हमारा। उसके बाद अभी से शुरू होता है हमारा काम। हमने पेड़ों में पानी दिया संडे वाले दिन। बाद हमने अपने बेड पे एक नया सा बेडशीट बिछाया, थोड़ा साफ़ सुथरा सा। उसके बाद चलो थोड़ी घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो दीदी ने लगाया झाड़ू और उसके बाद मैंने लगाया घर में पोछा। हम लोग ने नेल कट किया बिल्कुल सन्नी रूटीन के हिसाब से। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हम लोग अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट रूटीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद हम अलमीरा में आ गए थे अपना कपड़ा वपड़ा बिल्कुल सही से रखने के लिए, क्योंकि यार अगर रूम साफ़ नहीं होता ना तो उसमें रहने का मन भी नहीं करता। उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट नहाने चले गए, फिर हम शावर लेकर आए। और आज हमने अपना बाल भी वॉश किया था, तो हम उसे बिल्कुल सुखा उखा लेते हैं। शावर लेने के बाद और कपड़ा वपड़ा धुलने के बाद एंड अपना बाल सुखाने के बाद हम सीधा छत पे आ गए कपड़ा डालने के लिए। छत से नीचे आए तो हमने कुछ स्किन केयर रूटीन फॉलो किया। और हम ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाते, बस एक सॉफ्ट सा मॉइस्चराइज़र निविया लगाते हैं। एंड मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, अगर हमें कहीं घर पे ही रहना होता है तो हमें ज़्यादा ओवर मेकअप करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे पिम्पल्स एंड फेस भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो हम केवल एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। आप हमारे वीडियोज़ भी देख के जान सकते हो कि हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं रहता है। उसके बाद यार आज संडे था ना, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। ये सब करने के बाद हम सीधा जाके बेड पे पड़ गए। और उसके बाद उठने के बाद हम थोड़ा फ्रेश फील कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज स्टडी करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि अगर स्टडी ना करूँ तो दिन बहुत खाली खाली सा लगता है। और सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पूरे रूटीन में 2 to 3 hours स्टडी ज़रूर किया करो। हमने ना 2 to 3 hours स्टडी की अपनी। उसके बाद हमारे पढ़ते पढ़ते हमने बुक का ऐसा हाल बना दिया था कि मुझे उसे वापस से अच्छे से रखना पड़ गया। फिर हम आ गए थे छत पे थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये धूप है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा, ये धूप ही है। आपको पता है जब स्टडी करके हम उठते हैं ना, तो ना ही छत पर हमें धूप दिखाई देता है ना ही शाम दिखाई देती है। तो हम सीधा छत पर आ गए टहलने के लिए। और यार थोड़ा फ्रेश फील होता है, कम से कम बाहर निकल के ऐसा लगता है आज़ादी।
मिल गई है और फिर हम दोनों अपने में थोड़ा चिट चैट करते रहते हैं और हमारी तो बातें ही नहीं ख़त्म होती है। जहाँ पे भी हम दोनों एक साथ मिल जाएं वहाँ तो बस 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 अनलिमिटेड टॉक्स होती हैं। एंड सो आई एम हिंटिंग हियर आवर व्लॉग, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय बाय बाय।